सुगज सपूझ कर कि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है और आपके पास है केवल एक डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पिन। तो गाइस यहाँ पे किसी का भी फोन लेके और एक नंबर डायल करेंगे और वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर एंड डेबिट कार्ड का पिन डालेंगे तो आपका बैलेंस फेच कर दिया जाएगा, आपका बैलेंस चेक करके बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस। सपूझ कर कि आपके पास जो मोबाइल है वो गुम हो गया है गाइस, तो आप इस तरीका से अपना के अपना बैलेंस जान सकते हैं किसी का भी फोन लेके अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल के अपने एटीएम में डाल के आप आसानी से इजीली तरीके से अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं डायल पेड सेक्शन में आ चुका हूँ, यहाँ पे एक नंबर है, देखिए कॉल करते हैं 1800 और फिर 1800 22 22 1800 180 22 22 इस पे आपको कॉल करना है। यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करता हूँ और यहाँ पे आपको 3 बार 1 दबाना है, लेकिन मैं जल्दी से फास्ट नहीं करूँगा, आपको सुना के उसके बाद ही मैं आपका बैलेंस चेक कराऊंगा। तो चलिए वहाँ पे कुछ बोलेगी उसको आप सुन लीजिए, अगर आपको तुरंत चेक करना है तो आप 3 बार 1 दबाएंगे, उसके बाद ये बोलेगी अपना डेबिट कार्ड से जानने के लिए तो आपको 1 बार 2 दबाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सुना के अपना बैलेंस चेक कराऊंगा अपने डेबिट कार्ड के डिटेल से, ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फिर भी मेरा बैलेंस चेक कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2। अपने खाते के फ्रॉड या अनाधिकृत लेन देन को रिपोर्ट करने के लिए अथवा डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग एवं UPI को ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते से संबंधित वर्तमान राशि की जानकारी के लिए 1 दबाएं। अपने खाते की वर्तमान राशि को जानने के लिए 1 दबाएं। अपने खाते के पिछले 3 से 5 लेन यदि आप पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं 1 दबाएं। अगर आपके पास ATM कार्ड नंबर और पिन नंबर है 2 दबाएं। कृपया अपना 16 या 19 अंकों का ATM कार्ड नंबर दर्ज करें। आपके द्वारा दर्ज की गई डेबिट कार्ड संख्या 5 0 8 9 7 9 करने के लिए दबाएं पुनः प्रयास। कृपया अपना 4 अंकों का ATM पिन दर्ज करें। आपका खाता शेष है रुपए 10। PNB बैंक को कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।